दैट इज द एक्चुअल मास। जो शुरू शुरू में मास था वो इतना था मेरे प्यारे बच्चों, 9/16, दैट इज डी ऑप्शन सही है। देख लेना, कोई मिस्टेक ना हो, मैं रोबोट नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो, मैं तुम्हारे जैसे ही इंसान हूँ, तो गलती किसी से भी हो सकती है। तो ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैक्सिमम एक्सलेशन अल्फा है एंड मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा है, देन टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। मुझे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत अच्छा लगता है, तो आपको भी अच्छा लगना चाहिए। इट इज़ द वेरी गुड चैप्टर। ये मीन पोजीशन है, यहाँ से पार्टिकल जाएगा, आएगा, इधर रुक नहीं पाएगा, इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, एक ऑसिलेशन पूरा हो जाएगा। ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये मीन पोजीशन है। अब कहता है मैक्सिमम एक्सलेशन अल्फा है, एक्सलेशन पोजीशन डिपेंडेंट लिख दूं तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दिस इज द एक्सलेशन। अब एक्सलेशन मैक्सिमम कब होगा? जब पोजीशन मैक्सिमम होगा। पोजीशन मैक्सिमम कब होगा? जब एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पर होगा प्लस ए, ये वाला डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो एक्सलेशन जो मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। एक्सलेशन मिनिमम कब होगा? जीरो, जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी। चलो वेलोसिटी पोजीशन डिपेंडेंट लिखो, ओमेगा ए एम्पलीट्यूड ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट। अब वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी बोलो? वेलोसिटी मैक्सिमम होगी जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी। अब एक्स ए के बराबर हो जाएगा एम्पलीट्यूड के, तब तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी यार, तो एम्पलीट्यूड ए है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे, वो आ जाएगी ओमेगा कैपिटल ए। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, दिस इज द मैक्सिमम एक्सलेशन। अब हमें क्या कहता है कि मैक्सिमम एक्सलेशन अल्फा है एंड मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा है, तो टाइम पीरियड निकालना है। मैक्सिमम एक्सलेशन अल्फा है और मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा है, चलो टाइम पीरियड कैसे निकाला जाए यार? मैक्सिमम डिवाइड कर दिया जाए, निगेटिव साइन को इग्नोर कर दो, इसमें से इसको डिवाइड कर दोगे तो अल्फा बाई बीटा, निगेटिव साइन को मैंने इग्नोर कर दिया, और ओमेगा ए, ओमेगा स्क्वायर ए अपन ओमेगा, एक बार और आपके लिए लिख देता हूँ, तो यह आ जाएगा ओमेगा। हमें क्या चाहिए? टाइम पीरियड चाहिए ना, देखो तो टाइम पीरियड चाहिए, तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π t, तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2π β अपन अल्फा। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, टाइम पीरियड इतना आ जाएगा 2π β upon alpha, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन बी। चलो ये पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के अलोंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, और दो अलग अलग पोजीशन